हरिद्वार के बहादुराबाद में इंटरनेशनल फार्मा कॉन्फ्रेंस की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान विधायक आदेश सिंह चौहान ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में फार्मा से जुड़े लोगों को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अपार संभावना है, जो कि फार्मा से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने में कामयाब होगी। इस मौके पर मेडिकल से जुड़े कई प्रोफेसर और छात्र कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के लिए अपने राजगोपाल मैनेजमेंट कॉलेज की पूरी टीम को और IPGA की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जो यहाँ बच्चे आए हैं, जो खासकर फार्मा के क्षेत्र में अभी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत लाभकारी होगी ऐसा मुझे लगता है। बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी की भावना डेवलप होगी और उसी से कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी जो मानव कल्याण के लिए सहायक होंगी। साइंस एंड मैनेजमेंट कॉलेज बहादुराबाद में चल रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में। इसमें जो मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री आदेश चौहान जी MLA रानीपुर क्षेत्र हरिद्वार से उपस्थित हुए। उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और आशीर्वाद दिया। इसके अलावा हमारे मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज सर, जो डीन अकेडमिक्स हैं देव संस्कृत महाविद्यालय के, और डॉक्टर विनय कुमार सेट्टी, जो वर्ल्ड साइंटिस्ट हैं, जाने माने पक्षी वैज्ञानिक हैं, वो भी हमारे यहाँ मध्य उपस्थित हुए और अपने विचारों से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मेन टाइटल है, एडवांसमेंट इन रिसर्च